हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग क्वेश्चन पेपर के बारे में। संस्कृत ऑनर्स का ये पेपर है, डीएससी का पेपर है, तो आपके या तो फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में लगा होगा डीएससी का पेपर है। ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यार देखो, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं मेन मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, देखो, बृहदारण्यक को उपनिषद के आधार पर आत्मविभक्ति की पद्धति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत बार आ रखा होगा। इसके ओर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, श्रवण मनन एवं निध्यासन का वर्णन कीजिए, हमेशा आता रहता है। तो अगर वो भी होता है तो भाई अभी भी अभी अभी से लिख के रख लो, 100% क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमेशा व्याख्या करने के लिए आता है, तो व्याख्या आप कर ही लेंगे, जाहिर सी बात है। पहले अर्थ अर्थ हेडिंग डालिए, अर्थ लिख दीजिए इसका, फिर व्याख्या डालिए और विस्तारपूर्वक लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मेट अपनाया कीजिए व्याख्या के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए आप जो शेष लिख सकते हैं, जिसमें आपका टाइम, जैसे यम, धारणा, प्राणायाम या क्रिया योग, इस पर तो आप आसानी से लिख सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, चाहे ओ बी हो या ना हो। चौथा क्वेश्चन जो है व्याख्या के लिए आता है, व्याख्या आपको संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, व्याख्या सब पता है, आप लिख लेंगे। मुझे पता है, जब अगर फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में ये लगा रहता है अधिकतर, तो यहाँ तक तो आप सीख ही चुके होंगे सारी चीज़ें लिखना। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जो सिक्स ये पाँचवा क्वेश्चन है, गीता के आधार पर संतुलित जीवन के लिए कर्मयोग की महत्व का वर्णन कीजिए। कर्मयोग भाई बहुत बार पूछा गया है, गीता के आधार पर बहुत बार, 100% बता रहा हूँ इसका क्वेश्चन। और ये गीता के आधार पर संतुलित जीवन के लिए भक्ति योग की महत्व का वर्णन कीजिए। भाई जितनी बार आप देखोगे ना क्वेश्चन, और में ना और में तो आप आई आई जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आप क्वेश्चन, इतना मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो, अगले साल का पेपर बिरादर को प्रण से आधार पर श्रवण मनन और निध्यासन, पूरा क्वेश्चन ही वही दे दिया, दोनों क्वेश्चन वही है। देखो, श्रवण मनन निध्यासन की महत्ता का वर्णन कीजिए, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जा रहा है और इस साल भी आने की संभावना जरूर है, अभी से लिख के रख लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमेशा आपको व्याख्या पूछेगा, या तो श्लोक दे देगा या तो कुछ वाक्य दे देगा उस पर लिखने के लिए। टिप्पणी तो हमेशा आती, आसन, यम और चित्त की प्रसन्नता का उपाय, ये तो अभी से लिख के रख लो, मैं बता रहा हूँ अभी से लिख के रख लो, एकाध लिखना होगा तो बाद में लिख लेना। ठीक है, इससे नोट्स भी बन जाएंगे, वो भी होता तो ये अपलोड भी हो जाएंगे। कर्मियों की महत्व आ गया ना, गीता के आधार पर कर्मियों, तो भाई जो क्वेश्चन होते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही बनते हैं। ठीक है, घबराने का नहीं है, आराम से अभी से लिख लो, सब पेपर हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।